नमस्कार दोस्तों, बिजनेस फॉर्टनाइट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक तनवानी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी पर सरल भाषा में बात करें तो ये डिजिटल करेंसी है, यानी डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश, जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसका मतलब इस करेंसी पर किसी भी एक अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे जो बाकी करेंसीज है हमारी, जैसे रुपीस, डॉलर और यूरो, इन सब पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है। जैसे कि रुपीस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि रुपीस की वैल्यू क्या होगी और कितने नोट छपने चाहिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन से हुई थी, जिसका अनाउंसमेंट 2008 में सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति ने किया था, जिसके बाद इसे 2009 में लॉन्च किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सतोशी नाकामोटो एक मिस्टीरियस आदमी है, क्योंकि सतोशी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, यानी वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। इससे बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को फायदा है कि अगर सतोशी को कुछ हो जाता है तो बिटकॉइन के प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, क्योंकि सतोशी के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। वो इस प्लैनेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसकी भी श्योरिटी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में जिसका आपको पता होना चाहिए, बिटकॉइन के फाउंडर सतोशी ने डिसाइड करा कि इसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने इसकी कोडिंग इस तरह से बनाई है कि सिर्फ 21 मिलियंस बिटकॉइन ही अवेलेबल या सेल हो सकेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और साथ ही बिटकॉइन को और भी ज्यादा वैल्यूबल बनाने के लिए सतोशी ने इसका एल्गोरिथम भी इस तरह से बनाया है कि जैसे जैसे नए बिटकॉइन माइन होते जाएंगे, आगे आने वाले बिटकॉइंस को माइन करना और भी डिफिकल्ट होता जाएगा। ब्लॉकचेन को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्लॉक, दूसरा चेन। अब पहले समझते हैं कि ब्लॉक क्या है। ब्लॉक एक डेटाबेस है जहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, यानी क्रिप्टोकरेंसी परचेज करने के टाइम पर जो ट्रांजैक्शन होता है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर स्टोर होती है। जैसा कि किसने कितनी क्रिप्टोकरेंसी परचेज की, किसको कितना सेंड करा और कितनी सेल करी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक में स्टोर होती है। अब ऐसे हर ट्रांजेक्शन का इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में स्टोर होता है, और जब एक ब्लॉक की कैपेसिटी फुल हो जाती है तब दूसरा ब्लॉक इंट्रोड्यूस होता है, और इस दूसरे ब्लॉक का कंटिन्यूएशन लास्ट ब्लॉक के ट्रांजेक्शन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ब्लॉक में लास्ट ट्रांजेक्शन एक्स पर्सन का था, जिसने 100 रुपए का बिटकॉइन परचेस करा था। अब जब दूसरा ब्लॉक आएगा तो उसमें लास्ट ब्लॉक के लास्ट ट्रांजेक्शन को पॉइंट आउट किया जाएगा, यानी जो एक्स पर्सन ने जो ट्रांजेक्शन किया था वो इसमें पॉइंट आउट होगा, ताकि इन ब्लॉक्स में एक लिंक बनी रहे जो कि एक टाइट चेन से बंधे होते हैं, और इसी प्रोसेस को ब्लॉकचेन कहते हैं। माइनर्स क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। माइनर्स का काम हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना, उसकी एक्यूरेसी चेक करना और ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। माइनर्स एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि हर ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करा जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, वैसे ही बिटकॉइन में भी कुछ कमियां हैं, और इन कमियों को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसीज को लॉन्च किया गया, जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन की ही कमियों को डिफाइन करते हैं। जैसे कि बिटकॉइन की एक डिसएडवांटेज है कि उसकी लिमिटेड सप्लाई है, उसी को डिफाइन करने के लिए इथेरियम ने अनाउंस करा है कि उसकी अनलिमिटेड सप्लाई होगी, जिसमें हर साल वो 18 मिलियन नए कॉइन्स रिलीज करेगा। 6 अप्रैल 2018 को RBI ने इंडियन बैंक्स पर बैन लगाया था कि आप क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं रख सकते, लेकिन उसी बैंकिंग बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, जिसके बाद से बैंक्स को क्रिप्टोकरेंसी के साथ बिजनेस रिलेशंस की परमिशन मिल गई। इसका मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना क्रिप्टोकरेंसीज में इंडिया में लीगल है। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बिटकॉइन के नेचर को जानते हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा है बिटकॉइन का पास्ट में और अभी प्रेजेंट में क्या परफॉर्मेंस है। दिसंबर 2017 की बात करें तो एक बिटकॉइन की प्राइस $19,000 तक गई थी। ये प्राइस उस टाइम का हाईएस्ट रेट था। उसके बाद मार्च 2020 में ऑलमोस्ट $4,000 तक एक बिटकॉइन की प्राइस गिर गई थी, और इसके बाद इसमें जो उछाल आया है उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच
लिया है। और आज जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, एक बिटकॉइन की प्राइस $47,000 के ऊपर है और आप समझ गए होंगे कि ये कितनी वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है। एक और बात यहाँ पर गौर करने की है, क्योंकि इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी ग्रुप के ग्लोबल CEO बैरी सिल्वर्ट भी मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच लिया है और आप कंफ्यूज हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन एक इकलौती क्रिप्टो करेंसी है जिसका अकेले का पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मार्केट कैपिटल 65% से भी ज़्यादा का है और ये अकेली सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।